आप सुन रहे हैं ब्लडी संडे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जय शुक्ला है और आज फिर मैं आपके लिए सच्ची और बेहद खौफनाक डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों कोई सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूं, कहानी के रिलेटेड ही आपको बताना चाहता हूं। दूसरी कहानी मेरे ही एक सब्सक्राइबर से मुझे मिली है। उन्होंने ही अपने पति के साथ घटी एक सच्ची रियल स्टोरी हमें व्हाट्सएप की है। तो चलिए अब वक्त हो गया है डर को बेहद करीब से देखने का। मेरा नाम विशाल है। मैं पिछले 3 साल से शहर के एक बड़े प्राइवेट स्कूल में चौकीदार की नौकरी पर कार्यरत था। मेरी नाइट ड्यूटी थी, मगर इन पिछले 3 सालों में मेरे साथ कई रहस्यमय घटनाएं घटी। उन्हें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों ये बात तब की है जब आज से 3 साल पहले मेरा इस स्कूल पर नाइट ड्यूटी का पहला दिन था। एक बड़ी बात यह थी कि मुझे नाइट ड्यूटी का पैसा डबल मिल रहा था। वैसे ये बात तो सही है कि दिन में ड्यूटी करने वालों से ज़्यादा पैसा रात में ड्यूटी करने पर मिलता है, मगर मुझे इस बात की हैरानी थी कि यहाँ पर मुझे डबल ट्रिपल पैसा मिल रहा था, साथ ही खाना फ्री, दिन में स्कूल पर ही एक कमरा फ्री। ये बात मेरे लिए जितनी खुशी की थी उतनी ही हैरानी की भी थी। अब आगे, आज मेरी स्कूल पर वो पहली रात थी। रात में इस स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी थी। नाइट ड्यूटी पर मैं अकेला चौकीदार था और आज भी हूँ। उस रात में खाना खाकर मैं स्कूल में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। पूरे स्कूल में सन्नाटा था और चांद की हल्की हल्की रोशनी थी। चहलकदमी करते करते आधा घंटा हो चुका था। मैं गेट पर रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अब हल्की हल्की नींद आ रही थी मुझे। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाते हुए मुझे हल्की सी नींद की झपकी आ गई। तभी जोर जोर से स्कूल की 5वीं मंजिल का दरवाज़ा अपने आप ही भड़बड़ाने लगा। मैं एकदम से ही अपनी नींद से जागा और चौंकते हुए मैंने चारों तरफ नजरें घुमाई। रात को इस वक्त उस 5वीं मंजिल का दरवाज़ा कैसे हिल रहा होगा? आखिर मेरे अलावा दूसरा कौन है जो स्कूल पर मौजूद है? डर और खौफ से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं अपनी कुर्सी से उठा और वहीं खड़े रहकर मैंने स्कूल की उस 5वीं मंजिल की ओर देखा। दरवाज़ा अब भी हिल रहा था, जैसे कोई उसे बस पीटे ही जा रहा हो। मैंने नीचे से ही जोर की आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है जो दरवाज़ा पीट रहा है? इतना कहते ही मुझे ख्याल आया, कहीं कोई बच्चा कमरे में बंद तो नहीं है। मैं फौरन स्कूल की सीढ़ियों से भागता हुआ उस कमरे के पास पहुँच गया। दरवाजा अब भी हिल रहा था, कोई अब भी उसे पीटे जा रहा था। मैंने कहा कौन है, मगर कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने देखा दरवाजा तो सच में बाहर से बंद है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला, मगर मेरे दरवाजे को छूते ही किसी के जोरों से उसे पीटने का सिलसिला थम गया। मैंने जैसे तैसे ही दरवाजा खोला तो पाया कि कमरा पूरा खाली था। इंसान तो दूर की बात, बच्चों के बैठने की भी कोई चीज नहीं थी। मैं ये देखकर बुरी तरह सहम गया था और अपनी तसल्ली के लिए उस कमरे में अंदर गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। हाथ में पकड़ी टार्च को चारों तरफ घुमाया, मगर मुझे कोई नहीं दिखा उस कमरे में। मैं कमरे से बाहर आने लगा, तभी मेरी नज़र उस कमरे की छत पर पड़ी। उस छत पर मुझे कोई अजीब सी बड़ी विकराल आकृति दिखी, मगर मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। डरते हुए जैसे ही टॉर्च मैंने उसके चेहरे पर की तो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो एकदम से बहुत जोर से चीखी। पल भर में ही वो कमरे से बाहर भागते हुए थोड़ी ही देर में मेरी आंखों से ओझल हो गई। टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा देखकर मेरी जान हलक में अटक गई थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि शायद ऐसा चेहरा आप में से किसी ने कभी किसी हॉरर मूवी में भी नहीं देखा होगा। हाँ, लेकिन आपने मानव भेड़िया का नाम सुना है और ऐसी मूवीज देखी हैं तो आप इस चेहरे को कई हद तक समझ सकते हैं। वो जो भी था काफ़ी हद तक किसी मानव भेड़िए से मिलता जुलता था। फिर मैं जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ से सीढ़ियों से होता हुआ नीचे तक आया और अपने कुर्सी तक का तो मुझे याद है, मगर उसके आगे क्या हुआ होगा मुझे याद नहीं है। दूसरे दिन अपनी ही कुर्सी के पास मैं लोगों को बेहोश पड़ा मिला और जब मुझे होश आया तो पता चला मेरी सैलरी और बढ़ा दी गई है। होश में आने के बाद किसी ने मुझसे ये तक नहीं पूछा
कि मैं क्यों और कैसे बेहोश हो गया था, जैसे सभी के लिए ये आम बात थी। अगर आपको लगता है कि इस हादसे के बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी, तो ये मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे शहर में कोई नौकरी मिली थी। साथ ही इस नौकरी पर जितना पैसा मुझे मिल रहा था, शायद किसी आम चौकीदार को मिलता हो। मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी। आए दिन कोई ना कोई रहस्यमय घटना वहां मुझे देखने को मिलती रही। ऐसे ही एक रात मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था, तभी स्कूल की 5वीं मंजिल के एक कमरे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा, मगर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब मुझे इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन तभी किसी के जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। मैं चुपचाप बैठा रहा। मुझे पता था सुबह होते ही सब शांत हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह रात मेरे लिए बहुत भारी होने वाली थी। ठीक आधे घंटे तक 5वीं मंजिल से चीखों की आवाजें आती रहीं। फिर जो हुआ वो देखने लायक नहीं था। 5वीं मंजिल से किसी चीज के बार बार गिरने की आवाजें आने लगीं। मैं कुर्सी से उठा और अपनी टॉर्च लेकर अधीर कदमों के साथ स्कूल के गेट के पास से ही सामने बनी बिल्डिंग की तरफ गया। 5वीं मंजिल से लगातार कुछ जमीन पर गिरता जा रहा था। अब मैं उस बिल्डिंग के ठीक पास खड़ा था और 5वीं मंजिल से जमीन में गिरते हुए मैंने जो देखा, उसे देखकर मेरी जान निकलने ही वाली थी। ऊपर उस 5वीं मंजिल से मांस के टुकड़े जमीन पर फेंके गए थे। अधखाए मांस के टुकड़े, हाथों की उंगलियां, पैरों के 4-5 छोटे छोटे टुकड़े, और तभी 5वीं मंजिल से जमीन पर एक सर धड़ाम से गिरा, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो सर स्कूल पर ही दिन के वक्त ड्यूटी पर रहने वाले चौकीदार का था। उसके सर पर उसकी आंखें, चेहरे का आधा हिस्सा खाया हुआ था। ये देखकर मेरी सांसें हलक में अटक चुकी थी। और तभी एक और दिल दहला देने वाली घटना से मेरा सामना हुआ। 5वीं मंजिल से वो भेड़िया मानो चीखे लगा रहा था, और मेरे कुछ समझ पाने या वहां से भागने के पहले ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे देखकर उसने एक जोरदार चीख लगाई। और अब मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि अब उसका अगला शिकार मैं हूं, और इन 3 सालों में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा था। वो भेड़िया एक खूनी भेड़िया में बदल चुका था। मैं तुरंत पास वाले एक कमरे में घुस गया। अंदर जाने पर मुझे पता चला यह स्कूल की लाइब्रेरी का कमरा था। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन शायद वो भेड़िया इंसानी गंध को सूंघ सकता था। वो मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर ही जोर जोर से चीखे लगा रहा था, और तभी उसने बड़े जोरदार धक्के उस दरवाजे को मारना शुरू कर दिया। मुझे मेरी मौत आप सामने दिख रही थी। मैंने लाइब्रेरी से एक नोटबुक उठाई और अभी तक मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो लिख रहा हूं। अगर मैं जिंदा बच गया तो जो कुछ भी हुआ मेरे साथ मैं जरूर सबको बताऊंगा, और इस स्कूल के मालिक को शायद यहां होने वाली घटनाओं के बारे में पता है। तभी वो नाइट ड्यूटी वाले चौकीदार को मुंह मांगी सैलरी दे रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं, शायद मैं मर जाऊंगा, क्योंकि दरवाजे को अपने धक्कों से तोड़ दिया है इस भेड़िए ने। मैं लाइब्रेरी की किताबों के बीच में एक छोटी सी गली में दरवाजे के पीछे छिपा खड़ा हूं। शायद वो भेड़िया अंदर आ गया है। अगर मैं जिंदा बच गया तो जरूर आगे मेरे साथ क्या हुआ जरूर लिखूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारी दूसरी कहानी हमारी एक डियर सब्सक्राइबर जिनका नाम तेजल है, उन्होंने भेजा है, तो दूसरी कहानी मैं आपको तेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। हाय, मेरा नाम तेजल है और मैं गुजरात के अरवली जिले से हूँ, और मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये बात 1999 की है और ये मेरे पति के साथ घटी हुई है। उस वक्त मेरे पति की उम्र 18 साल की थी। वो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे और रोज़ सुबह वर्क के लिए जाते थे। हर रोज़ वो 5 बजे
घर से लेकर गांव के बाहर हाईवे तक 2 किलोमीटर तक जाते थे। हमारा गांव हाईवे से 2 किलोमीटर के अंदर में है और उस वक्त लोग पैदल से ही हाईवे तक आते और रिक्शा या बस तक पहुंचते थे। बात 1999 की है, जब मेरे पति हितेश सुबह 5 बजे की बजाय 4 बजे उठ के सीधे घड़ी देखे बिना दौड़ने को घर से निकल गए। उस वक्त सर्दियों का मौसम था, सब अपने घरों में चैन से सो रहे थे। वो दौड़ते दौड़ते गांव से बाहर हाईवे की ओर निकल गए। सब घर खत्म हो गए, अब बस सुनसान रास्ता था और कोई दिख नहीं रहा था। वो फिर भी अपने मूड में चले जा रहे थे, उन्हें कोई डर भी नहीं लग रहा था। वो गांव से बाहर सुनसान रास्ते पर दौड़ रहे थे, वो तो दौड़े ही जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज आई, सब्जी ले लो सब्जी। वो सुन के वो एकदम खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, इतने अंधेरे में इतने बजे कौन सब्जी बेचता है। वो फिर भी दौड़ने लगे तो उनको पीछे से फिर एक आवाज आई, सब्जी ले लो सब्जी। उन्होंने पलट कर देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो इतनी सर्दी में भी पसीने से लोटपोट हो गए, क्योंकि एक काले रंग के कपड़े पहने हुए एक औरत थी, पर उसका सर नहीं था और सिर्फ उसका धड़ था और सब्जी की टोकरी थी। वो उनकी ओर आ रही थी। वो देखकर बहुत डर गए, अब ना वो आगे जा रहे थे ना पीछे। वो सब्जी ले लो की बात कहते हुए उनके करीब ही आ रही थी। हितेश ने सोचा कि आज वो नहीं बचेंगे। उतने में ही उनके गले में लगा हुआ गोगा महाराज का लॉकेट था, वो चमक रहा था। वो लॉकेट उनको उनके दादाजी ने दिया था, तो वो लॉकेट हाथ में लेकर वो अपने भगवान को याद करते हुए और हाईवे की ओर दौड़े। वो तब तक दौड़ते रहे जब तक हाईवे नहीं आया। हाईवे तक आने पर सुबह के 6 बज गए और सारा कोहरा हट गया। हितेश एक चाय वाले की दुकान पर जाकर खड़े हो गए और वहाँ ही गिर गए। रात के 7 बजे उन्हें होश आया तो वो घर पे बिस्तर में थे। उस चाय वाले ने उन्हें घर पहुँचाया था। वो तब तक बिस्तर में थे जब तक 7 बजने को आए। उनकी आँख खुलते ही सारे परिवार वाले उनके सामने थे। हितेश ने उनकी आपबीती सुनाई तो दादाजी ने कहा कि वो सब्जी वाली एक गरीब औरत थी। वो सुबह ही सब्जी लेकर हर रोज हाईवे तक पैदल जाती थी और वहीं से रिक्शा लेकर शहर में। एक दिन किसी गाड़ी वाले ने रात में उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा दी और उसका इस एक्सीडेंट में सर कट गया। तब से उसकी आत्मा वहीं रोड पर भटकती है और आने जाने वाले हर इंसान को दिखती है। आज भी कोई उस रास्ते से रात को आने से पहले 100 बार सोचता है। वही सरकटी सब्जी वाली सब्जी की कटोरी के साथ रोड पर घूमती है। हितेश ने उस दिन के बाद दौड़ना तो नहीं छोड़ा, पर वो गांव में ही चक्कर लगाते, कभी हाईवे की तरफ नहीं गए। ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ हमारी नई वेबसाइट जो सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, वहाँ पर उसको भी विजिट करिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मूर्ति है। मैं पिछले कुछ दिनों से भूतिया घटनाओं का शिकार हो रहा हूँ। ये बात आज से 1 हफ्ते पहले की है। मैं अपनी दुकान बंद करके साइकिल से शाम 6-7 बजे के आसपास अपने घर आ रहा था और वहीं से मेरे साथ इन भूतिया घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। हुआ ये कि जिस रास्ते से मैं घर आता था उस रास्ते पर पेड़ गिर गया और रोड के दोनों तरफ तार बंधे हुए थे, तो वहाँ से निकलना भी संभव नहीं था। कुछ और लोग भी वहाँ थे और पेड़ को हटाने के लिए शायद किसी गाड़ी वाले को फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा भारी पेड़ लोगों से तो हिलना भी नामुमकिन था। मगर मुझे पता था कि इस पेड़ को हटाने में अभी भी 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। दोस्तों, मेरे घर तक जाने का एक शॉर्टकट भी है जो जंगल के बीच से होकर गुजरता है और दिन के वक्त भी वहाँ लगभग अंधेरा ही रहता है, और लोगों का मानना है कि वहाँ कुछ लोग तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। यही कारण था कि उस रास्ते से लोग कम ही जाते आते थे, मगर अब मुझे दिन भर
दुकान में काम करके थकावट तो थी ही, साथ में घर में भी बहुत सारे काम थे, इसीलिए मैंने उस शॉर्टकट से जाने का फैसला किया और वहाँ से साइकिल घुमाकर थोड़ी ही दूर पर शॉर्टकट था, मैं वहीं पर पहुँच गया। और उस रास्ते पर अंदर जाने पर इतना अंधेरा था कि एक हाथ की दूरी पर भी कोई खड़ा हो तो शायद ही दिख जाए। मैंने अपना फ़ोन निकाला और टॉर्च जलाकर फ़ोन को ऊपर वाली जेब में डाल दिया। फिर 3 किलोमीटर के उस रास्ते पर 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसा मेरे घर वालों ने मुझे बताया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं ठीक 10 बजे घर पहुँचा था और फिर सीधे कमरे में चला गया था और घर के कई लोगों ने मुझसे बात करने की कोशिश की मगर मैंने किसी से कोई बात नहीं की। मेरी पत्नी ने बताया कि मैं जब घर आया था तो मेरी आंखें हद से ज़्यादा लाल थी और चेहरा भी लाल तो था, साथ ही मुझे काफ़ी पसीना आ रहा था। सब ने सोचा कि वो सब मुझसे सुबह ही बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि सभी को शक था कि शायद मैंने ज़्यादा शराब पी ली है। मगर मैं जब धंधे में काम करके बहुत थक जाता हूँ तभी शराब को हाथ लगाता हूँ, वरना नहीं, और अगर पीता भी हूँ तो बहुत कम मात्रा में। थोड़ी देर में मेरी पत्नी ने सबके लिए खाना लगाया और मुझे भी कई बार आवाज़ लगाई कि खाना खा लो आकर, मगर मैं कमरे से बाहर नहीं आया। मेरी पत्नी को मेरा शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझसे गुस्सा भी थी। फिर मेरी माँ ने मेरी पत्नी से कहा जाकर खाना उसे कमरे में ही दे दो, और जब मेरी पत्नी खाना लेकर कमरे में आई और मैंने जैसे ही उसके हाथ पर वो खाने की प्लेट देखी तो मैं जानवरों की तरह उस खाने पर टूट पड़ा। मेरी पत्नी ये देखकर बहुत घबरा गई और फौरन मेरे माँ पापा को कमरे में लाई। सभी ने मेरा ये रूप देखा तो दंग रह गए, पर तब भी सबको यही लगा कि शायद मैंने शराब कुछ ज़्यादा ही पी ली है तभी ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। मेरी माँ ने मेरी पत्नी से कहा कि परेशान मत हो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा, तब इससे हम बात करेंगे कि इसने इतना ड्रिंक क्यों कर लिया, अभी जाकर सो जाओ। सभी लोग सोने चले गए मगर मैं घर में ही घूम रहा था। मेरी पत्नी कमरे में लेटी थी और सो गई थी। रात 2-2.5 बजे के आसपास उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि मैं अभी भी कमरे में नहीं था। वो फौरन उठी और पूरे घर में मुझे ढूंढने लगी मगर मैं उसे कहीं नहीं दिखा। वो काफ़ी घबरा गई और उसने फौरन मेरे माँ पापा को जगाया। सबने घर में मुझे ढूंढा। मेरे पापा ने घर से बाहर जाकर मुझे कई बार आवाज़ लगाई मगर मैं किसी को नहीं दिखा। सब घर में आकर अंदर बैठ गए। रात के 3 बज चुके थे तभी मेरे घर वालों को छत से मेरे हंसने की आवाज़ें आईं। सभी दौड़कर घर की छत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मैं छत के छज्जे पर बैठा था और मेरी पीठ मेरे परिवार वालों की तरफ थी। मैं लगातार हंसता जा रहा था। मेरे पापा मेरे पास आए। सभी बहुत घबराए हुए थे क्योंकि मैं छत के छज्जे पर बैठा था, जरा सी चूक हुई तो मैं छत से नीचे गिर जाऊंगा। मेरे पापा अधीर कदमों से मेरे पास आए और पास आते ही उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया और खींचकर घर के अंदर लाए। अंदर घर की रोशनी में सभी ने जो देखा वो सचमुच खौफनाक था। मेरे पूरे चेहरे पर खून लगा था और मैं मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में ही चबा रहा था। मेरी पत्नी ने फौरन पापा से ऊपर की छत पर चलने को कहा। सभी छत पर आए और छत से जमीन में उन्होंने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। छत के ठीक नीचे मांस के ढेरों टुकड़े पड़े थे और छत के छज्जे पर रोशनी करने पर सबने देखा छत के छज्जे से लेकर नीचे की दीवार तक खून ही खून था। ऐसा खौफनाक मंजर किसी कमजोर दिल वाले के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। अभी मेरे सभी परिवार वाले छत पर ही थे कि तभी सभी ने सुना जैसे घर के अंदर से किसी चीज के बहने या फिर कह सकते हैं कि गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। सभी फौरन नीचे आए और नीचे आकर सबने देखा मैं मिट्टी के तेल के डिब्बे से पूरे शरीर पर वो तेल छिड़क कर हंसता हुआ पूरे घर में दौड़ रहा था।
सभी ने फौरन मुझे आकर पकड़ा और फिर पापा ने मुझे खींचकर एक खाली कमरे में ले जाकर कमरा बाहर से बंद कर लिया और फिर सभी आधे आधे घंटे में दरवाज़ा खोलकर मुझे देख रहे थे कि कहीं मैं वहाँ खुद के साथ कुछ बुरा ना कर लूँ। मैं पूरे कमरे में पागलों की तरह हंसता हुआ बस दौड़े जा रहा था। जैसे ही सुबह के 6 बजे पापा ने सबसे कहा मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, तब तक इसका ख्याल रखना और कोई दरवाज़ा मत खोलना क्योंकि हो सकता है तुम सब इसे संभाल ना पाओ और ये यहाँ से भाग जाए। मेरे पापा फिर एक उनके जानने वाले बाबा के पास पहुँचे और उन्हें सारा हाल बताया। पापा की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा ये तो बड़ी भारी समस्या है, एक काम करो कैसे भी करके अपने बेटे को यहाँ मेरे पास ले आओ क्योंकि उसके शरीर से उस ऊपरी ताकत को निकालने के लिए उसे तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर चलकर इसका निवारण नहीं कर पाऊँगा। पापा ने ठीक वैसा ही किया, कुछ और लोगों को साथ लेकर मुझे घर से बाहर निकाला गया। फिर मुझे एक रस्से से बांधा गया और मुझे उन बाबा तक एक ट्रैक्टर में ले जाया गया। वहाँ पहुँचकर मुझे एक पेड़ से बांधा गया और करीब 4 दिनों तक उन बाबा ने मुझ पर तंत्र मंत्र जो भी किया, 4 दिन बाद मैं ठीक हो गया। उन बाबा ने बताया कि इसने उस रास्ते से आकर बहुत गलत किया था क्योंकि वहाँ एक तांत्रिक ने टोना टोटका किया था और इसकी साइकिल उसी पे चढ़ गई थी जिससे एक प्रेत कसाया इसके शरीर में प्रवेश कर गया था। ये तो वक्त रहते आप इसे यहाँ ले आए वरना इसकी जान भी जा सकती थी। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी ये सच्ची भूतिया घटना और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जाता आता तो आप भी कभी उस रास्ते से ना जाएं और अपने आप को और अपने परिवार को किसी मुसीबत में ना डालें। मेरा नाम सतीश है, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों मैं रात के वक्त अपने घर आ रहा था। मैं जिस रास्ते से अपने घर आ रहा हूँ उस रास्ते से आते वक्त एक कब्रिस्तान पड़ता है। जब मैं कब्रिस्तान के पास से निकला तो मैंने देखा एक अधेड़ उम्र की औरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी ये हरकतें देखकर मैं घबरा गया मगर मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए साइकिल और तेज कर दी। लेकिन फिर मैंने देखा वो औरत मेरे पास मेरे साइकिल के पीछे दौड़ती चली आ रही थी। उस अधेड़ उम्र की औरत को इस तरह दौड़ते देखकर मैं एक पल के लिए तो चौंक गया लेकिन मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, इसीलिए मैंने साइकिल रोक दी और मेरे साइकिल रोकते ही वो औरत भी एकाएक रुक गई और फिर मैं जोर से चिल्लाकर बोला ये बुढ़िया तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या भगवान के घर जाने की ज्यादा जल्दी है तुझे? अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं ही तुझे भगवान के घर पहुंचा दूंगा। इतना कहकर मैं जैसे ही आगे की तरफ मुड़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बुढ़िया मुझसे ठीक 2-4 हाथ की दूरी पर खड़ी थी और उसने अपना सर नीचे झुका रखा था उसने पूरे काले कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल पूरे सफ़ेद थे और जब मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो मैंने देखा उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मैं काफ़ी घबराया हुआ था मगर मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कौन हो तुम? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया और अब वो तेज तेज गुर्रा रही थी। मैंने सोचा कि कैसे भी करके मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। मैंने अपनी साइकिल स्टैंड से नीचे उतारी और निकलने ही वाला था वहाँ से कि तभी उस अधेड़ उम्र की औरत ने मुझ पर हमला कर दिया मगर मुझे छूते ही वो मुझसे 4-5 मीटर दूर हो गई और मुझे अपने गले पर कुछ चमकता दिखा। मैंने ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि मैंने हनुमान कवच धारण किया था। उस औरत के मुझे छूते ही प्रभु हनुमान जी का वो माला चमकने लगा था। मैं समझ गया था कि अब प्रभु हनुमान ही हैं
जो मुझे इस विपत्ति से बचा सकते हैं। मैंने साइकिल तेजी के साथ चलाना शुरू कर दिया और फिर मैंने पीछे मुड़कर उस औरत को देखा भी नहीं। घर पहुंचकर मैंने ये सारी घटना परिवार वालों को बताया। सभी ने प्रभु हनुमान की जय बोली और मेरी माँ ने कहा कि प्रभु, आपने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। अगर आप भी हनुमान जी पर सच्चा विश्वास करते हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर आपके पास कमेंट करने का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको प्रभु पर विश्वास है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, अपनी कहानी खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं भूतों और तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भगवान है तो शैतान भी है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी खत्म करता हूँ। जय बजरंगबली। मेरा नाम राघव है। मैं पहले कभी भूतों और किसी भी तरह के तंत्र मंत्र जैसी इन सब चीज़ों पर जरा भी विश्वास नहीं करता था, मगर एक दिन मेरे साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसके बाद मैं इन सभी चीज़ों पर विश्वास करने लगा हूँ। और जिन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है उन्हें चेतावनी देता हूँ, अगर उन्होंने मेरे दिए इस मंत्र को भी पढ़ा तो मेरे साथ हुई घटनाएँ ठीक वैसे ही उनके साथ भी होंगी। मैंने कई बार उन जगहों को भी विजिट किया है जहाँ जाने में एक आम इंसान डरता है। उन जगहों से सही सलामत लौट आने के बाद दिन प्रतिदिन मेरा हौसला बढ़ता जा रहा था। मैं अब उन बाबाओं और उन लोगों को चैलेंज करने लगा था जिन्होंने कभी न कभी भूत देखने का दावा किया है, मगर किसी ने कभी मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं उन्हें चैलेंज करता था कि अगर उन्होंने भूतों को देखा है तो वो मुझे भी एक बार भूत दिखाएं, मैं किसी भी रूहानी ताकत का सामना करने को तैयार हूँ। मगर किसी ने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि एक बाबा है जो पास के गाँव में आया है और वो भूतों को दिखाने का दावा करता है, जो जादूगर है और हाथ में कटोरा लिए हुए है और उस कटोरे से काफ़ी धुआं निकल रहा है जिसे वो लोगों के घर में घुमाता है और हर प्रकार की निगेटिविटी दूर कर रहा है ये बोलता है, और जिसका जितना मन है उसे वो पैसा या खाने का सामान दे रहा है। अब मैं इसी इंतज़ार में था कि वो बाबा यहाँ मेरे गाँव भी जल्दी से आए और फिर मैं उससे कहूँगा कि अगर तुम में औकात है तो मुझे भी भूत दिखाओ। कुछ घंटों बाद वो बाबा मेरे गांव भी आया और सबसे पहले वो मेरे ही घर पर आया और मेरा नाम लेकर बोला, राघव तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी लेकिन उसके लिए तुझे पास के जंगल में आना होगा जहां मैं रहता हूं। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे हैरानी हुई, आखिर उसे कैसे मेरा नाम पता है। फिर ये बात भी दिमाग में आई कि उसे मेरी क्या इच्छा है, कैसे पता है। मैं उससे पूछने ही वाला था कि पूरे घर में धुआं करते हुए ही वो बोला, इस बारे में कोई बात नहीं होगी, अगर अपनी इच्छा की पूर्ति चाहते हो तो कल मेरी बताई जगह पर मुझे मिलना। इसी के साथ वो वहां से चला गया और उसकी इन बातों में मैं खोया था, तो मुझे भी ख्याल न रहा कि इसे कुछ पैसा या अनाज दे दूं। दूसरे दिन मैं सुबह ही वहां पहुंचा जहाँ उसने मुझे बुलाया था। वो जगह जंगल के बीच में थी, वहीं एक कुआं भी था जिसे हम सभी लाल कुआं कहते थे। उसी कुएं के ठीक बगल में था पीपल का पेड़ जिसके नीचे बड़ा सा चबूतरा बना था। उसी पर वो बाबा मुझे बैठा दिखा और मुझे देखकर वो बोला, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं उसके पास पहुँचा, देखा तो वो हाथ में एक किताब लिए था। वह किताब मुझे देते हुए वह बोला, ठीक रात 8 से 12:30 के बीच किसी भी वक्त इस किताब पर दिए मंत्र को पढ़ लेना पूरे 11 बार और फिर तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। मैंने किताब खोला तो उस किताब में सिर्फ 11 पन्ने थे, हर पन्ने पर एक ही मंत्र लिखा हुआ था। मैंने बिना कुछ बोले वो किताब लेकर घर आ गया। मैं शाम तक सोचता रहा कि क्या करूँ। एक मन कहता, राघव तुझे तो पता है ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होते, पढ़ ले क्या जाता है इस किताब को पढ़ने से, 11 बार ही तो पढ़ना है। मगर एक मन था जो कहीं ना कहीं डर भी पैदा कर रहा था कि आज तक जो नहीं हुआ कहीं वो आज हो गया तो, कहीं भूत सच में तो नहीं होते। सोचते हुए मैंने फैसला किया, मैं ये किताब में दिए मंत्र नहीं पढ़ूंगा। और फिर खाना खाकर मैं सो गया।
लेकिन रात 10 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। मेरे दिमाग में वही किताब वाली बात आई और फिर मैंने ठान लिया, इसी वक्त मैं मामला ख़त्म करता हूँ। कुछ नहीं होगा इन मंत्रों को 11 बार दोहराने में। मैं किताब खोलकर बेड पर बैठा, लैंप जल रहा था और बाकी कमरे में अंधेरा था। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पहला मंत्र पूरा हुआ तो मैंने पन्ना पलटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 8 पन्ने निकल गए और 8वां पन्ना खत्म होते ही मेरे कमरे में लगा पंखा जोर जोर से चलने लगा। यह सीन किसी हॉरर मूवी जैसा था। फिर हिम्मत करके मैंने 9वां मंत्र पूरा किया। 9वां पन्ना पलटते ही एक झटके के साथ मेरे दोनों कान कटकर जमीन पर गिर गए। मैं दर्द से कराहने लगा और पूरे कमरे में दौड़ भाग करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में एक प्रेत मेरे बेड पर बैठा हुआ मुझे दिखा और मेरी तरफ देखते हुए उसने वो किताब मेरी तरफ फेंकी और बोला, पढ़ इसे। मैं समझ गया था अगर जिंदा रहना है तो ये किताब पर दिए 11 मंत्र पूरे करने ही होंगे। मगर ये मेरी सबसे बड़ी भूल ही थी। दरअसल प्रेत का तांडव तो 8वें मंत्र से ही शुरू हो गया था। 8वें मंत्र पर ही मेरे सर के बाल पूरे छिल चुके थे, जिन पर डर के मारे मेरा ध्यान नहीं गया था। मैंने भयंकर दर्द में ही 10वां मंत्र पढ़ा। 10वां मंत्र पढ़ते ही मेरा बायां हाथ उखड़कर जमीन में गिर पड़ा और मुझे कितना असहनीय दर्द उस वक्त हो रहा था ये मैं बयां नहीं कर सकता। दर्द से कराहते जमीन पर पड़े पड़े ही मैंने देखा उस प्रेत ने मेरा कान उठाया और किसी पापड़ की तरह चबा गया। फिर दूसरा मंत्र और फिर वो हाथ अपने आप ही उसके पास पहुंच गया और वो उसे भी नोच नोच कर खाते हुए बोला, चल आगे पढ़ 11वां मंत्र। मैं जैसे तैसे हिम्मत करके उठा और कमरे से बाहर भागने के लिए एक ही हाथ से जोर दिया दरवाजे को, मगर वो तो जाम ही हो गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं खुला। मैं वापस कमरे की ओर मुड़ा तो मेरा दिल बैठ गया। अब वह प्रेत ठीक मेरे सामने मुझसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा था और उसके चेहरे से जमीन तक सब खून ही खून बह रहा था। एक बार फिर उस प्रेत ने कहा, पढ़ इन मंत्रों को, पढ़। मैं अब यह तो समझ गया था कि जिस मंत्र को मैं पढ़ूंगा उस मंत्र के खत्म होते ही मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। मेरा कोई ना कोई शरीर का हिस्सा उस मंत्र की बलि चढ़ जाएगा, मगर मरता क्या ना करता। मैंने 11वां मंत्र पढ़ा और 11वां मंत्र पढ़ते ही उस प्रेत का शरीर गलने लगा और फिर जो हुआ वो मौत से भी बुरा था। उस प्रेत का शरीर गलते हुए लाखों कीड़ों में बदल गया और अब वे सारे कीड़े मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं दौड़कर दीवार से चिपक गया। मैं जोर जोर से चीख रहा था, कोई तो बचाओ, मुझे जाने दो, माफ कर दो, मगर मेरी चीखों को किसी ने ना सुना और उन लाखों कीड़ों ने मेरा शरीर नोचना शुरू कर दिया। मेरे शरीर में छेद बना बना कर अब वे खून के प्यासे कीड़े मेरे शरीर में घुस रहे थे। तभी एक अजीब सी घटना और घटी। वो किताब मैंने जमीन पर फेंक दी थी, मगर मेरे हाथ उस किताब की तरफ बढ़े। मैं अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद हाथ तो मेरे थे मगर इन्हें कंट्रोल कोई और कर रहा था। किताब अब मेरे हाथों में थी, सॉरी हाथ में थी, क्योंकि एक हाथ तो पहले ही उखड़कर खत्म हो चुका था जिसे उस प्रेत ने नोच नोच कर खा डाला था। न चाहते हुए भी मेरा हाथ उसे खोल रहा था और शरीर के आधे से ज्यादा मांस को वो कीड़े नोच नोच कर खा चुके थे। किताब का 12वां पन्ना खुला और ना चाहते हुए भी मैंने वो 12वां मंत्र पढ़ा, क्योंकि अब मेरे शरीर में आत्मा मेरी थी मगर शरीर कोई और कंट्रोल कर रहा था। 12वां मंत्र खत्म होते ही मेरे पूरे घर ने आग पकड़ ली और आग धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैं दीवार के एक कोने में पड़ा था और मेरे शरीर का पूरा मांस एक हद तक खत्म हो गया था, मगर हैरानी
इस बात की थी कि मैं अब भी जिंदा था। अब मेरे लिए मौत को गले लगाना ही सबसे आसान काम था। और अब अपनी मर्जी से मैंने 13वां मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ते ही वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं जैसे सपने से जागा और मेरे चारों तरफ पूरा सन्नाटा था। किताब मेरे हाथों में थी, मैं बेड पर ही था, कमरे में वही लैंप जल रहा था और मेरा शरीर बिल्कुल पहले जैसा था। मुझे कुछ नहीं हुआ था, मतलब मैंने जो अभी देखा वो मेरा सपना था। हाथ पर पकड़ी किताब की ओर मैंने देखा तो अब मैं 13वें पन्ने को पलट चुका था। उसके बाद मैंने उस किताब को उसी वक्त घर से बाहर फेंक दिया और फिर कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मगर वो रात मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है, वो घटना मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। दोस्तों, वो सपना तो था मगर ये बाकी सपनों जैसा नहीं था। उसमें जो भी होता है हकीकत लगता है, और शरीर में की जाने वाली चोट उसी प्रकार असहनीय दर्द देती है जैसे वास्तविक जीवन में होता है। मेरा नाम बादल है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे चाचा जिनका नाम रूपचंद है उन्हीं के साथ घटी एक सच्ची भूतिया घटना है। मेरे चाचा रात के वक्त ही हमारे गांव के बगल में एक गांव पर एक प्रोग्राम था, वहीं जा रहे थे। मेरे चाचा गांव के कच्चे रास्ते से, जिसे गाँवों में खरंजा कहा जाता है, उसी रास्ते से बगल के गाँव में जा रहे थे। रास्ते पर पैदल चलते हुए ही उन्होंने अपनी तम्बाकू निकाली और तम्बाकू बनाकर उन्होंने खा लिया। उसके बाद वो मौज में दोबारा चलने लगे, लेकिन तभी उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने पीछे देखा तो उन्हें पीछे कोई भी नहीं दिखा। मेरे चाचा ने इसे अपना वहम समझा और वो वापस आगे की ओर मुड़े। मगर आगे मुड़ते ही वो एकदम से चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा एक आदमी उनके ठीक पास में खड़ा था। और जब उन्होंने चंद सेकेंडों पहले ही पीछे देखा था तब उनके सामने वाले रास्ते की तरफ तो कोई भी नहीं था, तो फिर अचानक ही आदमी उनके ठीक पास में कहां से क्यों और कैसे आ गया, ये सभी सवाल उनके मन में चल ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने धीरे से मगर गंभीर स्वर में कहा, तम्बाकू दे दो। उस आदमी की यह बात सुनकर मेरे रूपचंद्र चाचा ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा तो ध्यान से देखने पर पता चला कि उस आदमी के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे, और कहा जाता है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। मेरे रूपचंद चाचा ये देखकर बिल्कुल सहम गए थे, और वो बताते हैं कि मैं उस वक्त हिल भी नहीं पा रहा था। थोड़ा वक्त यूं ही बीत जाने पर उस आदमी ने मेरे चाचा की तरफ अपना सर उठाकर देखा, और जब मेरे चाचा ने उसका चेहरा देखा तो उनका शरीर डर और खौफ से भर गया। उन्होंने देखा उस आदमी की आंखें बिल्कुल पीली थी और बहुत चमक रही थी, बिल्कुल किसी बल्ब की तरह, और रात के वक्त उस आदमी का चेहरा साफ तो नहीं दिख पा रहा था, मगर इतना समझ में आ रहा था कि उस आदमी के चेहरे को किसी चीज से काट कर उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े घाव बना दिए गए हों। मेरे चाचा ने हिम्मत करके जेब से तम्बाकू की पुड़िया निकाली और पुड़िया हाथ में पकड़े हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस आदमी को तम्बाकू देते वक्त मेरे चाचा का हाथ बहुत तेजी से कांप रहा था। मेरे चाचा के हाथ से उस आदमी ने वो तम्बाकू की पुड़िया उठाई और बहुत तेजी के साथ वो खेतों की तरफ भागता हुआ मेरे चाचा की आंखों से ओझल हो गया। मेरे चाचा वहां से वापस घर की तरफ भागे और घर पहुंचकर उन्होंने हांफते हुए सारी बात सबको बताई। सभी उनकी बातें सुनकर काफी घबरा गए थे, और फिर अगले दिन सभी लोग मेरे चाचा को एक बाबा के पास ले गए, और उन बाबा ने मेरे चाचा को एक ताबीज बनाकर दिया और रात के वक्त अकेले उस रास्ते से जाने को मना भी किया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी मेरे चाचा को डर की वजह से 4-5 दिनों तक काफी बुखार रहा। खैर, अभी वो ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरे चाचा के साथ घटी सच्ची भूतिया घटना। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये सच्ची डरावनी कहानियाँ, हमें कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा ही, साथ ही हमारी वेबसाइट को भी विजिट करिएगा। वेबसाइट को विजिट करने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नई और काफ़ी मज़ेदार
सच्ची डरावनी कहानियों के साथ। नमस्कार। ब्लडी संडे पर सच्ची डरावनी कहानियां जय के साथ। अरे भाई, मेरे दादाजी अब तो इस दुनिया में नहीं हैं। उनको मेरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैं 14 साल का था, तब मेरे दादाजी मुझे भूतों की कहानियां सुनाते थे। अच्छा, तब तो बड़ा मजा आता रहा होगा भाई भूतों की कहानियां सुनने में। हाँ यार, बचपन में बचपन की दुनिया अलग ही थी यार। ऐसे ही बातें करते करते दो दोस्त विनय और दिवाकर बाइक पे सवार चले जा रहे थे। विनय बाइक चला रहा था और दिवाकर उसे अपने बचपन के कुछ मजेदार किस्से सुना रहा था। दरअसल विनय ने एक नया मकान खरीदा था जो जंगल के बीच में था, अल बगरा हाउस। दोनों को विल्ड लाइफ से कुछ ज्यादा ही प्यार था और दोनों का प्रोफेशन भी तो सेम ही था। दोनों फोटोग्राफर थे और जिंदगी का ज्यादातर वक्त दोनों शहर से अपने घर से दूर इन जंगलों में ही बिताते थे। दोनों दोस्तों ने आधे आधे पैसे लगाकर उस घर को खरीद लिया ताकि अब वो जंगल में भी बड़े आराम से रह सकें। अब आगे दोनों दोस्त अपने शहर से अपने घरों से दूर इस नए मकान पर कुछ दिनों के लिए रुकने आए थे और अपने अपने कैमरे भी साथ ही लाए थे ताकि दिन के वक्त जंगल में घूमकर अच्छी अच्छी तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेंगे और रात में उनका खुद का घर अब उस जंगल में मौजूद था जहां वो चैन से रात गुजारेंगे। दोनों दोस्त लगभग 108 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने जंगल वाले घर के पास पहुंचे। अब आगे दोनों दोस्त विनय और दिवाकर अब घर के गेट को खोलने ही जा रहे थे कि तभी एक बड़ा सा गमला उनके पीछे गिरा, धड़ाम से गिरा और गिरते ही टूट गया। दोनों बुरी तरह सहम गए और ज्यादा देर भी नहीं हुई कि घर की बालकनी से एक और दूसरा गमला जमीन पर गिरा। विनय और दिवाकर दरवाजे से दूर जाकर अब उन्होंने घर से दूर जाकर घर की बालकनी की ओर देखा तो पाया कि एक बिल्ली जो पूरी काली थी उनके बालकनी पर छत के छज्जे पर उन्हें चहलकदमी करती हुई दिखी। बिल्ली ने उनकी ओर देखा और घर के छत पर किसी पेड़ की लटकती डालियों पर चढ़ती हुई उन दोनों की आंखों से ओझल हो गई। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। विनय बोला, अरे ज्यादा टेंशन मत ले भाई दिवाकर, फोन निकाल, टॉर्च ऑन कर, मैं ताला खोलता हूं दरवाजे का। दिवाकर ने फोन की फ्लैश लाइट ओपन की और फोन की रोशनी वो दरवाजे की ओर करने ही वाला था कि ध्यान उन गमलों की ओर गया और उन गमलों पर रोशनी करने पर दोनों ने जो देखा वो देखने लायक था। गमले पर शायद से गुलाब के फूल लगे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो फूल काले थे। तभी विनय बोला, भाई ये फूल शायद सूख गए हैं, तभी शायद ऐसे दिख रहे हैं। तुम इधर दरवाजे की ओर टॉर्च दिखाओ। दिवाकर ने टॉर्च दरवाजे की ओर की और दरवाजा खोलकर वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। घर में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों कमरे में गए, फिर बाथरूम में जाते हुए दिवाकर बोला, भाई तू भी हाथ मुंह धो ले, फिर कुछ खाना खाकर सो जाते हैं। ठीक है भाई, नकुल बोला। दोनों ने खाना खाया और बेड पर लेट गए। लेटे लेटे आधा घंटा बीत चुका था पर दोनों को नींद अभी भी नहीं आई थी। नकुल बोला, भाई दिवाकर यार नींद नहीं आ रही है यार। मुझे भी, दिवाकर ने कहा। अच्छा तो एक काम करते हैं ना यार। बोल भाई, दिवाकर बोला। भाई तुम्हें जो भूतों की कहानियां तुम्हारे दादा तुम्हें सुनाते थे, तुम्हें अभी भी वो याद हैं? हाँ, एक एक कहानी अच्छे से याद है। तो सुना ना भाई, सुनते सुनते ही नींद भी आ ही जाएगी। इस वक्त दिवाकर बोला, हाँ भाई सुना ना, बड़ा मजा आएगा। नकुल ने दिवाकर से कहा। ठीक है तो सुनो।
फिर दिवाकर ने नकुल को भूतों की बेहद डरावनी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक गायिका थी, उसका नाम तनीषा था। वो स्टेज पर बड़े बड़े शो किया करती थी। एक बार बहुत बड़ी कंपनी से उसके पास ऑफर आया। उसने ऑफर साइन कर शो की तैयारी शुरू कर दी। आखिर में म्यूजिक शो डायरेक्टर ने तनीषा से कहा, अगर आज आपने बहुत शानदार गाया तो हम आपको 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तनीषा सुनकर प्रसन्न हो गई। वास्तव में वो अच्छी सिंगर अवश्य थी, परंतु फेमस नहीं थी। गायकी की दुनिया में यह उसका नया नया सफर था। उसने म्यूजिक शो डायरेक्टर की बात सुनकर हर्ष के साथ कहा, आज मैं इतना अच्छा गाऊंगी कि मेरा या आपका ही नहीं, बल्कि मेरा गीत सुनने वाले हर व्यक्ति का मन मेरे गीत की तरफ खींचता चला जाएगा। आई होप कि ऐसा ही हो, वह बोला। शो स्टार्ट हुआ। तनीषा ने शो में ऐसा गाया कि सचमुच धमाल कर दिया। उसका गीत सुनकर उत्तेजित हुई पब्लिक सीटों से उठकर गीत पर झूमने लगी। शो समाप्त हो जाने पर म्यूजिक शो डायरेक्टर ने तनीषा को अच्छी गायकी की बधाई देते हुए उसे 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तनीषा म्यूजिक शो डायरेक्टर से बोली, आज मैं बहुत खुश हूं बंसल साहब, आज सचमुच तुम्हारे लिए खुशी का दिन है। बंसल बोला, मैं आपके लिए इतना अच्छा जाऊंगी कि आप पूरी जिंदगी के लिए मुझे साइन कर लेंगे। यह तो और भी खुशी की बात होगी। 3 दिन बाद एक बड़ी म्यूजिक कंपनी से तनीषा के पास 25 करोड़ रुपए का ऑफर आया। 25 करोड़ का ऑफर नजर में आते ही तनीषा का मन लोभ से भर गया। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि वह बंसल का ऑफर ठुकरा कर यह 25 करोड़ का ऑफर पकड़ लेगी। अपने इरादे के मुताबिक तनीषा ने वैसा ही किया। उसने बंसल का ऑफर ठुकरा, 25 करोड़ का ऑफर पकड़ लिया। बात बंसल के कानों में आई तो उसने तनीषा से बात की और बंसल तनीषा के पास गया और उसने तनीषा से कहा, तुम हमारा ऑफर कबूल करने के बाद ठुकरा नहीं सकती। जवाब में तनीषा ने कहा, मैं आपको 1,00,000 बार कह चुकी हूं कि मैंने आपका ऑफर ठुकरा दिया है। मुझे जो नया ऑफर मिला है उसका सौदा 25 करोड़ में हुआ है। आप खुद समझ सकते हैं कि 25 करोड़ के सामने 5 करोड़ का ऑफर कितना छोटा है। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम सही कह रही हो, मगर ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है। तुमने पहले हमारा ऑफर साइन किया था। बेकार की बातें मत कीजिए आप, तनीषा अकड़ कर बोली। आज के वक्त में पैसे के सिवा कुछ नहीं है। लोगों ने ईमानदारी जैसी चीजों को गठरी में बांधकर दरिया में बहा दिया है। तुम जो भी कह रही हो गलत कह रही हो। आप मुझे गलत और सही में फर्क दिखाने का कष्ट ना उठाएं और मेहरबानी करके यहां से चले जाएं। बंसल को तनीषा का व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसने कुछ कहा तो नहीं, मगर जहर का घूंट पीकर वहां से चला गया। तनीषा के बारे में सोचते हुए उसने पूरी रात जाग कर गुजारी। सारी रात वो शराब पीता रहा। जहर में डूबे हुए तनीषा के शब्द जो उसने बंसल को कहे थे, वो शब्द पल पल बंसल के सीने में खंजर बनकर वार कर रहे थे। तनीषा को सोचते हुए बंसल बहुत क्रोधित हो रहा था। उसी रात बंसल उसके घर पहुंचा और उसने बड़ी चालाकी के साथ खुद को बचाए रखकर तनीषा का कत्ल कर दिया। तनीषा वहीं खत्म हो गई। 2 दिन बाद बंसल ने एक म्यूजिक शो की तैयारी की। जल्द ही शो का समय भी करीब आ गया। इस शो में उसने एक बहुत अच्छी सिंगर को साइन किया था। वो सिंगर गायकी के मामले में तनीषा की टक्कर की थी। शो जब स्टार्ट हुआ तो गायिका ने नीले रंग का इवनिंग गाउन पहना हुआ था। उसके चेहरे पर जाली का बना खूबसूरत नकाब इस तरह पड़ा हुआ था कि नकाब में उसका चेहरा बमुश्किल दिख रहा था। गायिका ने गीत गाना शुरू किया। बंसल ने महसूस किया कि आवाज तनीषा से काफी हद तक मिलती है। बंसल को खुशी हुई कि उसने एक बार फिर उसी जैसी गायिका की आवाज को पा लिया। शो खत्म हो जाने के बाद बंसल हर्षित मन से गायिका को उसके अच्छे गीत व आवाज की बधाई देने गया। उसी समय गायिका ने
अपना नकाब उठा दिया। उसका नकाब उठते ही बंसल की निगाहों में इतना खौफ भर गया मानो उसने दुनिया की सबसे डरावनी चीज देख ली हो। नकाब उठते ही गायिका का चेहरा देखने के बाद बंसल इस तरह खौफ ज़दा था कि उसकी आवाज भी हलक से नहीं निकली थी। वह उसे देखते ही बेहोश हो गया था। उसके बेहोश होते ही गायिका ने ठहाके लगाए थे। वास्तव में बंसल की नई गायिका के शरीर में तनीषा की आत्मा प्रवेश कर गई थी। परिणाम स्वरूप गायिका का रंग रूप तनीषा के रूप में बदल गया था। बंसल को जब होश आया तो वह अपने बेडरूम में था। उसके करीब उसका एक अजीज दोस्त था। उसने बंसल को होश में आते देखकर पूछा, आर यू ऑल राइट? यस, बंसल घबराते हुए बोला। उसके चेहरे से पसीनों की उभरती नन्ही नन्ही बूंदों को देखकर दोस्त ने गंभीरता से पूछा, क्या बात है यार बंसल, तेरी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बंसल उठकर बैठते हुए चेहरे से पसीना साफ करने लगा। साथ ही साथ वो सांस भी इस तरह से ले रहा था मानो बहुत लंबी दौड़ लगाने के कारण हाफ रहा हो। तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, दोस्त ने पूछा। क्या बताऊं यार, एक बहुत अजीब घटना घटी है मेरे साथ, बंसल बोला। कैसी घटना? क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ तो बोल। वास्तव में मैंने अपनी नई गायिका को तनीषा के रूप में देखा, बंसल ने बताया। क्या कह रहा है यार, ऐसा भी भला आज के जमाने में कहीं हो सकता है? इस तरह की बातें तो पुराने जमाने में देखी और सुनी जाती थी। यकीन मान मनोज, बंसल ने उसे संबोधन दिया, मैं सच कह रहा हूं, पर मुझे तेरी बात का जरा भी विश्वास नहीं। मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच कह रहा हूं? बंसल ने अपनी बात पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। अचानक उसी समय तेज तूफान आया और खिड़कियां झटके से खुल गईं। बंसल बुरी तरह चौंक गया। उठकर मनोज ने खिड़कियां बंद करते हुए कहा, तूफान बहुत खतरनाक था। वो फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जिस कमरे में मनोज तथा बंसल थे, अचानक उस कमरे की हर एक चीज अपनी अपनी जगह से हिलने लगी। बंसल ने भयभीत दृष्टि के साथ हर चीज को देखते हुए कहा, लगता है भूकंप आ रहा है। तभी मनोज ने कहा, यह जलजला तेरी मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। बंसल ने जैसे ही मनोज की तरफ देखा, वह उसकी आंखों के सामने तनीषा बन गया। यह देख बंसल बुरी तरह कांप गया और बंसल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो तनीषा। तुझे मैं कभी माफ नहीं कर सकता है, हरामजादे। इसी के साथ उसने बंसल को खत्म कर दिया। फिर ठहाके लगाकर बोली, मैं फिर से गाऊंगी, फिर मेरा नाम दुनिया में फेमस होगा। ओह, अरे भाई दिवाकर, तेरे दादा तो सच में बहुत ज्यादा डरावनी कहानियां सुनाते थे। सच में ये कहानी बहुत डरावनी थी मेरे भाई, नकुल दिवाकर की कहानी सुनकर बोला। अरे हाँ नकुल, मेरे दादाजी मुझे सिर्फ यही कहानी नहीं बल्कि मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, और शायद मुझे लगता है ये कहानी इस कहानी पहले वाली कहानी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी। हाँ भाई दिवाकर, कहानी सुना तुम, बड़ी मजेदार और डरावनी कहानी है तेरी, सुना। इसी के साथ दिवाकर ने नकुल को दूसरी कहानी सुनाई। दूसरी कहानी, नंदिता विवाहित होकर जब पहले दिन ससुराल में आई तो अचानक उसके ससुर को हार्ट अटैक हो गया। दुल्हन बनी नंदिता अपने ससुराल में दो पल भी खुशी से न बिता पाई थी कि सबके साथ उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा।
हॉस्पिटल में उसके ससुर एडमिट थे। नंदिता की ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और उसका पति व वो खुद थी। इन छह लोगों का एक संयुक्त परिवार था उसका। ससुर हार्ट अटैक में मृत्यु को प्राप्त हो गए। सास विधवा हो गई। घर में दुख का माहौल बन गया। कुछ दिन बाद नंदिता के जेठ का एक्सीडेंट हो गया। जेठ की कार एक ट्रक से टकराकर बुरी तरह टूट फूट गई। इसमें नंदिता के जेठ को बहुत ज्यादा चोटें आईं, परंतु वो जिंदा बच गए। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि नंदिता के जेठ कोमा में चले गए हैं। वह जीवित तो अवश्य रहेंगे, किंतु जिंदा लाश के रूप में। यह जान नंदिता कि जेठानी पागल सी हो गई। अपने पति को जिंदा लाश के रूप में देख वो इस गम को सहन न कर पाने के कारण फूट फूट कर रो रही थी। ससुराल के सभी लोगों ने उसे दिलासा दिया, उसका दुख कम करने के लिए उसे पूरी तसल्ली दी, परंतु उसकी आंखों से बहने वाले आंसू किसी कीमत पर भी नहीं रुक रहे थे। रात बहुत बीत गई थी। नंदिता की जेठानी और सास हॉस्पिटल में उसके जेठ के पास ही बैठी थी। नंदिता अपने जेठ के लिए डॉक्टर द्वारा बताई दवाइयां लेने गई थी। दवाइयां लेकर जब वह लौट रही थी तो रूम के दरवाजे पर रुककर उसने अपनी सास तथा जेठानी के बीच चल रही बातें सुनी। जेठानी कह रही थी, मम्मी आप मानिए या ना मानिए, मगर जिस दिन से नंदिता के कदम हमारे घर में पड़े हैं उस दिन से हम पर भारी मुसीबतें पड़ने लगी हैं। घर में नंदिता का पहला कदम पड़ते ही पापा को हार्ट अटैक हुआ और वह हमें छोड़कर चले गए। इस बार अगर राजेश को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। राजेश नंदिता के जेठ का नाम था। मेरे राजेश को बचा लीजिए मम्मी, कहते कहते वो रोती हुई अपनी सास से लिपट गई। तू ऐसा क्यों सोच रही है पूनम, सास ने अपनी बड़ी बहू को तसल्ली दी। ईश्वर पर भरोसा रख, तेरे राजेश को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द वह अपनी पहली वाली हालत में लौट आएगा। रही बात नंदिता की, तो उसके बारे में गलत सोच मत रखो, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन चुकी है। हमारे घर में वो एक नई सदस्य है हमारी, उससे अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना। तभी आहट करके नंदिता अंदर उन दोनों के पास चली आई। पूनम तथा सास ने उसकी तरफ देखा तो नंदिता ने अपनी सास से कहा, मम्मी दीदी सही कहती हैं, जिस दिन से मेरे कदम आपके घर में पड़े हैं उस दिन से आप लोगों पर नई नई मुसीबतें पड़ने लगी हैं। नहीं बेटे ऐसा नहीं कहते, सास बोली, सुख और दुख ईश्वर की देन है, इसमें प्राणी का अपना कोई दोस्त नहीं होता। तू पूनम की बात को गंभीरता से ना ले, वो अपने पति की ऐसी हालत देखकर थोड़ा परेशान हो गई है, इसीलिए बहकी बहकी बातें कर रही है, मगर जल्दी ही वो सही हो जाएगी। इस बात पर नंदिता ने कुछ ना कहा। पूनम भी खामोशी से बैठी रही। 3 दिन बाद राजेश की हालत ज्यादा खराब होने लगी, उसे दौरे पड़ने लगे। पूनम बहुत दुखी रहने लगी, उसे समझ न आया कि वो अपने पति को किस प्रकार आराम दे। दिन ब दिन राजेश को कुछ नया हो जाता था, डॉक्टर को दिखाने पर कुछ नतीजा ना निकलता था। पूनम ने जब देख लिया कि उसके पति की हालत ठीक होने की जगह और ज्यादा खराब होने लगी है, साथ ही डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चुपचाप अपनी सास को लेकर एक पंडित के पास पहुंची। वहां उसने अपने घर तथा पति का सारा हाल पंडित को बयान कर दिया। सुनकर पंडित ने नंदिता की सास से कहा, तुम्हारी छोटी बहू बुरी आत्मा है, वो तुम्हारे परिवार का सर्वनाश करने आई है। इतना सुन दोनों सास बहू चौंक गईं। पूनम ने झट कहा, मैंने कहा था ना मम्मी कि नंदिता के कदम हमारे घर में अशुभ पड़े हैं, इसी कारणवश हमारा परिवार नई नई मुसीबतें उठा रहा है। क्षण भर चुप रहकर सास ने पंडित से पूछा, इसका कोई उपाय है पंडित जी? उपाय तो है, परंतु पूरे 8 दिन लगेंगे तुम्हारी मुसीबतें टलने में, क्योंकि तुम्हारी छोटी बहू ने अपने बुरे कदम तुम्हारे घर में पूरी मजबूती से जमा लिए हैं। वो तो कोई बात नहीं पंडित जी, मगर मुसीबतें टल तो जाएंगी ना? पूनम ने पूछा। हाँ मेरे पति के लिए कुछ बताइए, पंडित ने एक ओम का लॉकेट उठाकर पूनम को देते हुए कहा।
यह अपने पति को पहना देना, इससे तुम्हारे घर में बहू का रूप ग्रहण कराई मुसीबत तुम्हारे पति पर अपनी हरकतों द्वारा कोई बुरा असर नहीं डाल पाएगी। पूनम ने लॉकेट ले लिया। पंडित ने उन दोनों को भी एक एक ओम का लॉकेट पहनने के लिए दे दिया। साथ ही उन्हें करीब रखी एक थाली से मुट्ठी भर चावल उठाकर दी और कहा, इन चावल के दानों पर मुट्ठी भर सिंदूर डालकर सारे चावल अपनी छोटी बहू के कदमों में डाल देना। अच्छा, सास ने सारे चावल ले लिए। वैसे तो मैं यहीं रहकर तुम्हारे घर का हाल जानता रहूंगा, मगर तुम दोनों प्रतिदिन मेरे पास आती रहना। जी पंडित जी, जी पंडित जी, दोनों ने कहा। फिर सास ने पूछा, पंडित जी, यह बात समझ में नहीं आई कि हमारी छोटी बहू हमारा सर्वनाश करने क्यों न आई है। वास्तव में वो आज से 5 साल पूर्व तुम्हारे पति और दोनों बेटों की गाड़ी के नीचे कुचलकर मारी गई थी। वो अपनी मौत का बदला लेने आई है। पर ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं, सास ने कहा। वो घटना तुम्हारे पति और बेटों ने किसी से बताई नहीं थी, ना ही पुलिस इसकी खोज कर पाई थी, मगर सच्चाई यही है। पंडित की बात को दोनों सास बहू ने मान लिया। अंत में सास ने कहा, पंडित जी, मेरे छोटे बेटे को उस आत्मा से बचाव के लिए आप एक लॉकेट और दे दीजिए। पंडित ने अफसोस के साथ कहा, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहां आने से 2 मिनट पूर्व उस आत्मा ने अपने पति की गाड़ी खाई में गिराकर उसे खत्म कर दिया है। इतना सुन सास चीख पड़ी, नहीं, नहीं। इसी के साथ वह बेहोश हो गई। पंडित ने पूनम से कहा, जो चावल मैंने तुम्हें दिए हैं वो तुम उस आत्मा के पैरों पर धोखे से डालना। जी पंडित जी, पूनम रोते हुए बोली। दोनों सास बहू जब खुद को संभाल कर घर लौटी तो राजेश कोमा में पाया। छोटे बेटे की तो लाश का पता ही ना चला। घर में 3 लोगों की मौत का असर पूनम तथा उसकी सास के दिल दिमाग पर बहुत गहराई से पड़ा था। अब उन दोनों को अपनी बेहद चिंता थी। पूनम ने नंदिता के बुरे प्रभाव का खात्मा करने की शुरुआत करते हुए चावलों में चुटकी भर सिंदूर डाला तो नंदिता पीछे से आकर बोली, मैं जानती हूं पूनम कि तुम और तुम्हारी सास मेरी असलियत जान चुकी हैं, मगर यह मत समझना कि तुम दोनों मुझसे बच जाओगी। इतना सुन पूनम घबरा गई। उसके हाथ में मौजूद चावलों की थाली भी छूट कर गिर गई। परिणाम स्वरूप सारे चावल फर्श पर बिखर गए। तभी वहां पूनम की सास आ गई। उसने नंदिता और पूनम के बीच हुई बातें सुन ली थी। नंदिता ने सास के सामने कहा, अब तुम दोनों मारी जाओगी। इसी के साथ उसने दोनों को हवा में उड़ाकर तीव्र गति से घुमा दिया। पूनम और सास पूरी तरह चीखने लगी। फिर नंदिता ने दोनों को फर्श पर बुरी तरह पटक दिया। भयंकर रूप से चोट आने के कारण वे जोर जोर से कराहने लगी। उसी समय वह पंडित वहां आ गया जिसके पास पूनम तथा उसकी सास गई थी। पंडित ने आते ही अपने झोले से मिट्टी निकालकर नंदिता पर उछाल दी। वो मिट्टी आग बनकर नंदिता को जला गई। चीखती चिल्लाती नंदिता जलकर राख हो गई। पंडित ने पूनम और उसकी सास को सहारा देकर उठाया, साथ ही कहा, तुम दोनों की जान बच गई। तुम्हारे घर में आई मुसीबत सदा के लिए टल गई है। मेरी कहानी सुनकर विनय बोला, दिवाकर भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, तुम्हारे जो दादाजी थे ना, क्या यार, मतलब गजब की कहानियां सुनाते थे। सच में ये कहानी बहुत डरावनी थी मेरे भाई। और भी कोई कहानियां सुनाते थे? वैसे तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी है, पर सुना एक कहानी और सुना दे भाई प्लीज। फिर मैंने विनय को तीसरी कहानी सुनाई। तीसरी कहानी, 18 वर्षीय ममता को तन्हाइयों में वीरानों में भटकने की आदत थी। वह पिछले 2 वर्ष से अकेलेपन में रहने की आदी थी। जब भी कोई उसे देखता तो वीरानों में ही भटकता देखता था। वो खोई खोई सी रहा करती थी।
ममता के परिवार में उसके केवल दादा दादी ही थे। उसके माता पिता 5 वर्ष पूर्व एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद ममता को दादा दादी ने ही प्यार दिया था कि उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी। प्रतिदिन ममता एक काम ऐसा करती थी कि पिछले 2 सालों में उसके उस काम में कभी रुकावट नहीं आई थी। उसका वह काम था दिन छिपे घर से निकलना और रात को 10-11 बजे वापस लौटना। एक दिन रात के समय ममता के दादा घर से किसी जरूरी काम से निकले। वह अपनी गाड़ी में थे। उनकी गाड़ी एक बहुत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत आगे तक घने पेड़ लगे हुए थे। ममता के दादा किशोरी लाल जी सड़क पर जा रहे थे। उस सड़क पर दूर दूर तक अंधेरा था। अचानक उन्होंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट के प्रकाश में ममता को सड़क के किनारे तनहा खड़े देखा तो उन्होंने गाड़ी उसके बराबर में रोक के कहा, ममता यहां क्या कर रही हो? वह अपने दादा को देखते हुए बोली, कुछ नहीं दादाजी, आओ गाड़ी में बैठो। वह तुरंत गाड़ी में आकर बैठ गई। किशोरी लाल वापस घर की तरफ चल दिए। साथ ही उन्होंने ममता से कहा, आइंदा यहां मत आना। अच्छा दादाजी, ममता ने कहा। 3 दिन बाद किशोरी लाल ने फिर ममता को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। दूसरी बार भी वह अंधेरे में घिरी खड़ी थी। इस बार किशोरी लाल ने ममता को डांटते हुए पूछा, क्या मिलता है इस तरह तुम्हें कि तुम हर रोज दिन छिपे घर से निकल ऐसी तन्हा जगह पर आकर खड़ी हो जाती हो? मुझे अंधेरा पसंद है, कहते समय ममता की आवाज इतनी भारी थी कि किशोरी लाल बुरी तरह डर गए। अगले दिन वह एक तांत्रिक के पास ममता को लेकर पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक से कहा, या मेरी पोती है, इसका नाम ममता है, इसे देखकर बताओ कि इस पर कोई बुरा साया तो नहीं। तांत्रिक ने अपने स्थान पर बैठी रही ममता की आंखों में झांक कर किशोरी लाल से कहा, इस लड़की को कल रात चांद दिखने पर लाना। अच्छा, तांत्रिक ने किशोरी लाल को आहिस्ता से बताया, यह लड़की बुरे साये की चपेट में है। फिर किशोरी लाल ममता को लेकर घर वापस आए तो वहां ममता की चाची आई हुई थी। सब लोग प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से मिले। डिनर के समय ममता की चाची ने किशोरी लाल से कहा, बाबूजी मैं ममता के साथ सोऊंगी। नहीं बहू, तुम अलग कमरे में सोओगी, किशोरी लाल ने कहा। सोने दीजिए ना, ममता की दादी ने कहा। फिर इसके आगे किशोरी लाल कुछ न कह सके। रात को सोने के लिए ममता और चाची कमरे में पहुंच गई। दोनों बेड पर आई और 20 मिनट के अंदर अंदर सो गई। आधी रात बीत जाने पर जब चाची की आंख खुली तो उसने देखा कि ममता बेड से गायब है। वह जल्दी से बेड से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकली। ममता की तलाश करते करते वह लॉन तक आ गई। तभी उसने देखा कि ममता वहां झूले में बैठी है। चाची की ओर ममता की पीठ थी। कदम बढ़ाते हुए चाची सोचने लगी कि इतनी रात गए ममता यहां इस समय झूले पर क्यों बैठी है। चाची ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पुकारा, ममता यहां क्या कर रही हो बेटे? ममता ने घूमकर चाची की ओर देखा तो उनके हलक से भयंकर चीख उबल पड़ी, भूत! ममता का चेहरा बहुत डरावना हो गया था। चाची वहां से उल्टे कदम दौड़ पड़ी। वह शीघ्रता के साथ झूले से उठी। चाची के पीछे दौड़ ममता ने उन्हें वहीं गिराया और खत्म कर दिया। चाची की चीख दादा दादी ने सुन ली थी। वे दोनों हड़बड़ाकर उठे और कमरे से बाहर निकल आए। तभी उन्होंने दूर से देखा कि ममता अपनी डरावनी शक्ल के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। वे दोनों भागे। दौड़ते हुए दादी बोली, हे भगवान, यह ममता को क्या हो गया? ममता बुरे साये की चपेट में है, दादा ने कहा।
फिर जल्दी से वे दोनों कमरे में आ गए। ममता अधीर कदमों के साथ उन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। उसका यह डरावना रूप देख दादा दादी दोनों का ही बुरा हाल था। उन दोनों की हालत उस खस्ता बापल की तरह हो गई थी जो हल्के झटके से ही टूट जाता है। बुरी तरह थरथर कांप रहे थे वे। दरवाजा मजबूती से बंद करके वे एक साथ खड़े हो गए थे और बराबर ईश्वर को याद कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घूंसे मार रहा हो। वे दोनों समझ गए कि दरवाजे पर ममता ही दस्तक दे रही है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, साथ ही पहले के मुकाबले में वे और अधिक भयभीत हो गए। कुछ क्षणों पश्चात दस्तक शांत हुई और एक डरावनी आवाज उन दोनों के कान में गूंजी, मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। डरावनी आवाज को सुन दादा दादी का दम हलक में आ गया। अनायास ही दादा के ओठों से निकला, हे ईश्वर हमें इस मुसीबत से बचा। तभी उस डरावनी आवाज में ममता ने कहा, कोई नहीं बचाएगा, सब मारे जाएंगे। इसी के साथ ममता ने दरवाजे में घुसा मारा और हाथ दरवाजे के आर पार कर दिया। उसका हाथ भी इतना डरावना था कि उसे देख दादा दादी दोनों के कंठ से चीखें उबल पड़ी। ममता ने हाथ अंदर डालकर दरवाजे का लॉक खोलना चाहा, वह बराबर कोशिश करने लगी। अपने बचाव के लिए ममता के दादा ने समूचे कमरे में नजर दौड़ाते हुए कोई ऐसी वस्तु हाथ में लेनी चाही जिससे कि वह ममता से अपना बचाव करने में सफल हो सके। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक तलवार पर पड़ गई। उनके पुरखों से चली आ रही यह तलवार उनकी नस्ल दर नस्ल अपने साथ लेकर चल रही थी। विरासत में मिली इस तलवार को उन्होंने जैसे ही संभाला, वैसे ही ममता दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। उसी समय उसके दादा ने उसकी गर्दन तलवार से काट डाली। गर्दन कट जाने के बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। फिर क्षण भर बाद धड़ भी गिर गया। दादी ने ममता की मृत्यु पर आंसू बहाए। दादी को लेकर दादा उस कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि ममता फिर जिंदा हो गई। उसका सिर धड़ से जुड़ गया और इसी के साथ उठकर उसने अपने दादा दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। दादा दादी दोनों का खून पीकर उन्हें खत्म कर उसने ठहाके लगाए, मैंने सबको मार डाला। अपनी तीसरी कहानी खत्म करते ही मैंने लेटे लेटे ही विनय की तरफ देखा। विनय मेरी कहानी सुनते सुनते ही सो गया था और अब आप भी सो जाइए। आगे की कहानियां अगले एपिसोड में देखिएगा, पार्ट टू में देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। गुड नाइट और ध्यान रखिएगा, कहीं ममता आपके पास तो नहीं है। मैं हूं जय और आप देख रहे थे ब्लडी संडे। आप घर बैठे असली पैसा कमाएं अपने स्मार्टफोन की मदद से। सिर्फ एक दोस्त को इनवाइट करने पर 300 रुपए कमाएं। डाउनलोड करें हेलो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।